एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में, बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी, एक राधा एक मीरा एक दासी एक रानी, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में, बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी, एक दर्द दीवानी। नमस्कार दोस्तों, वा फिजिक्स में आपका स्वागत है। वा फिजिक्स बाय डॉक्टर निशान गौड़। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वा फिजिक्स बाय डॉक्टर निशान गौड़ को। और ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की असाइनमेंट की सीरीज चल रही है, ये तीसरा वीडियो है उस सीरीज का, और इम्पोर्टेंट और न्यूमेरिकल है ये भी बहुत बार, एग्जाम में आ चुका है सभी यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसको देखते हैं, देखिए क्या है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमें देखना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन ब्लॉक एट राइट एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन ब्लॉक एट राइट एंगल। तो सबसे पहले हमने जैसे कि आपको बताया है कि जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने से पहले आप क्या लिखेंगे, क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन डेटा लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 10^-10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 10^10 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। इसके बाद क्या है आपका, सॉरी ये मीटर हो गया, मीटर, और ये क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम है और ये 1 एंगस्ट्रॉम भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या दिया हुआ है, राइट एंगल स्कैटर्ड एंगल दिया हुआ है, फाई या थीटा जो भी लाना चाहें आप, 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री लिया हुआ है ये, फाई या थीटा जो भी लाना चाहें, जो कितना है राइट एंगल है तो 90 डिग्री दिया हुआ है ये। तो हम जो डेल्टा लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा अगर निकालेंगे कॉम्प्रेहेंसिव वेवलेंथ या डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, तो वो कैसे आएगी, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 0.02421 cos 90 degree। ठीक है, तो इसको आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0242, यही आ जाएगी 242, ये आ जाएगी। और ये किस में आ रही है हमारी, देखिए एंगस्ट्रॉम में, हाँ मीटर में या एंगस्ट्रॉम में, जिसमें लिखना चाहें 10^-3 या एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए, या इसको मीटर में लिखना चाहते हैं point 0242 × 10 meter। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कोलिजन से पहले या इम्पैक्ट से पहले जो एनर्जी है वो बराबर होती है कोलिजन या इम्पैक्ट के बाद की एनर्जी के। तो एच सी ओवर लैम्डा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का होगा, तो एम नॉट सी एच सी ओवर लैम्डा डैश प्लस एम सी स्क्वायर। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया ये एस सी ओवर लैम्डा माइनस एस सी ओवर लैम्डा डैश, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, बट
लेकिन हम जानते हैं जो रिलेटिव स्टेटिक काइनेटिक एनर्जी है ई के, वो बराबर होती है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसको लेंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ई के बराबर ई के स्क्वायर टू एच सी वन ओवर लैम्डा, कॉमन ले सकते हैं वन माइनस लैम्डा डैश। ठीक है, और लैम्डा डैश को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश को भी हम यहां लिख सकते हैं, देखिए वन ओवर लैम्डा माइनस वन ओवर लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा डैश को क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, लैम्डा तो है ही और जो शिफ्ट हुई वो भी इसमें ऐड कर देंगे, तो लैम्डा प्लस डेल्टा इक्वल टू लैम्डा डैश। तो इस तरह से ये जो ई के आ जाएगी हमारी, वो ई के क्या आएगी, एस सी एलसीएम लेंगे आप इसका, एस सी डेल्टा लैम्डा लैम्डा और लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कैसे, प्लैंक कांस्टेंट है ये आप जानते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये डेल्टा लैम्डा है। ठीक है, ये शिफ्टेड वेव काउंटर शिफ्टेड वेव लेंथ है जो कि हमने निकाली, कितनी है 0.0242 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर, या इसको एंगस्ट्रॉम में कह सकते हैं 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से लगा दीजिए एस की वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई 10^-34, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10^8। ठीक है, और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0.0242 और मल्टीप्लाई 10^-10 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है देखिए 10^-10 और लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस डी लैम्डा की वैल्यू लगाएं, ये कितना हो जाएगा 10^-10 प्लस 0.0242 मल्टीप्लाई 10^-10। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ई के जो आपका आएगा, ई के जो आ जाएगा वो आएगा 293.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे करा है, जो भी वैल्यू आएगी यहां पर, जो भी वैल्यू आएगी आपको उसको 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 से आप डिवाइड कर देंगे। ये तो आएगी किसमें, आपकी ये आएगी जूल में। ठीक है, ये आएगी किसमें, ये जूल में आएगी। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ई के बराबर 293.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी एनर्जी हो जाएगी, कैलकुलेटेड काइनेटिक एनर्जी जो होगी 293.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको आप, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, वार फिजिक्स बाय डॉक्टर निशान गौर, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का असाइनमेंट का सीरीज चल रही है, इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे जितने भी इसके वीडियो बनेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।